भागवत जी के दशम स्कंध के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन भगवान वेदव्यास जी करते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। एक बड़ा सुंदर भाव आता है, भाव का भूखा सदा में, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो शीघ्र बेड़ा पार है। अन्य धन रु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस एक ही यह सार है। भावग्राही जनार्दन, भाव को ग्रहण करने वाले हैं भगवान। सुदामा जी के तंदुलों को प्रभु ने खा लिया। भगवान कहते हैं कि ना मैं प्रभाव में खाता हूं, ना दबाव में खाता हूं, ना अभाव में खाता हूं। प्रभाव में किसी का प्रभाव है तो खाना पड़ता है, अभाव है कमी है तो खाना पड़ता है, कोई खूब दबाव डाले तो बिल्कुल पेट भरा हो फिर भी खाना पड़ता है। अभाव में, प्रभाव में, दबाव में भगवान कहते हैं अभाव मेरे पास है नहीं, दबाव मेरे ऊपर कोई डाल नहीं सकता, प्रभाव मेरे जीवन पर किसी का पड़ता नहीं। ना अभाव में, ना दबाव में, ना प्रभाव में खाता हूं, मैं खाता हूं तो केवल और केवल भक्त के भाव में खाता हूं। भाव ग्राही जनार्दना, भाव के भूखे भगवान। श्रीमद् भगवत गीता में भी वेदव्यास जी लिखते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरत मस्नामि प्रयतात्मना। भगवान को एक फूल की पंखुरी और जल भी चढ़ा दिया जाए तो खुश हो जाते, और ये भी कुछ भी ना चढ़ाया जाए, केवल भाव से उनकी शरण को ग्रहण कर लिया जाए, भाव से उनके नाम को ले लिया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे भाव को ग्रहण करने वाले। भाव के भूखे श्रीमद् भागवत जी में आगे चार आश्रमों का वर्णन व्यास जी 11वें स्कंध में करते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रकृति के जो चार प्रलय हैं, नित्य, नैमित्तिक, आत्यांतिक और प्राकृतिक प्रलयों का वर्णन करते हैं। भक्ति योग और सांख्य योग का वर्णन किया है। 11वें स्कंध में ही यदुवंश के विनाश की कथा आती है, और 11वें स्कंध में ही भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की कथा का वर्णन व्यास जी करते हैं। एक समय की बात है, कुछ ऋषि मुनि द्वारिका के पास समुद्र के तट पर आकर के रह रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण के जो बालक हैं वो ऋषि मुनियों से मनोविनोद करने, मजाक करने पहुंच गए। भगवान और जाम्बती के बेटे थे सांब, सांब के पेट में कपड़ा लपेट के उसे स्त्री बना के ले गए और कहते हैं कि ये कन्या गर्भवती है, तो बताइए आप ये बेटे को जन्म देगी या बेटी को। ऋषि मुनियों को क्रोध आया कि हमसे मजाक करने आ रहे हैं, श्राप दे दिया ये ऐसे मूसल को जन्म देगी जिससे तुम्हारे सारे वंश का विनाश होगा। जल्दी से कपड़ा अलग किया, पेट से सचमुच एक मूसल निकला। वसुदेव जी उग्रसेन आदि के कहने पर उस मूसल का चूर्ण बनवाया और उसको समुद्र में फेंकवा दिया। उसी मूसल से लोहा निकला, वो भी समुद्र में फेंका गया। समय बीतने पर वो जो मूसल का चूर्ण था वो समुद्र के तट पर आ आ करके लगा, और उस चूर्ण से एरक नाम की बिना गांठ वाली घास
धार वाली घास जो तलवार के जैसी लंबी लंबी होती थी वो वहां पर पैदा हो गई। उसी समय सारे यदुवंशी समुद्र तट पर बसे थे। कुछ आपस में बातचीत हुई, वाद विवाद हुआ, अस्त्र शस्त्र थे नहीं, तो उसी घास को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मारा, प्रहार किया और आपस में लड़ झगड़ के सारे यदुवंशी मारे गए। जब सारे यदुवंशी मारे गए, भगवान श्री कृष्ण इसी सोच में जंगल में एक पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके बैठे थे, सोच विचार में डूबे थे। तो उस मूसल से जो लोहा निकला वो लोहा एक मछली ने निगल लिया, मछली को मछुआरे ने पकड़ा। जब मछली काटी गई, मछली के भीतर से लोहा निकला, उस मछुआरे ने वह लोहा एक जरा नाम के बहेलिए को बेच दिया और उस जरा नाम के बहेलिए ने उसी लोहे से अपने बाण की नोक बनाई और उसी बाण को लेकर के वो जंगल जाता है शिकार करने। अब भगवान कृष्ण बैठे हैं एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के, भगवान के चरणों में शंख चक्र गदा पद्म आदि के चिन्ह बने हैं। दूर से भगवान के पैर चमकते हुए दिखाई दिए, बहेलिए को भगवान नहीं दिखे, सिर्फ पैर दिखा, तो उसे लगा कि ये हिरण की आंख है जो चमक रही है। भगवान के पैर को हिरण की आंख समझ के जब बाण से प्रहार किया, बाण भगवान के पैर में आकर के लगा और उसी क्षण भगवान के चरणों से रक्त की धारा बहने लगी। बहेलिए को लगा हिरण मारा गया, लेकिन जब पास में आया तो वहां पर गोविंद बैठे थे और पैरों से खून बह रहा था। भगवान को देख के बहेलिया तुरंत भगवान के पैर पकड़ करके रोने लगा, हे कृष्ण मैंने ये अनजाने में किया है, मुझे नहीं मालूम था कि आप बैठे हैं, मुझे तो लगा कि ये हिरण की आंख है, हे नाथ मुझे क्षमा कर दो। उसने खूब क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये जो हुआ है वो मेरी ही माया थी जो तुमसे वो करा दिया, चिंता मत करो। बहेलिए को भक्ति का वरदान दिया और फिर भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से स्वधाम के लिए गमन करते हैं। पृथ्वी लोक से भगवान श्री कृष्ण ने अपने साकेत धाम गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। स्वधाम गमन करते हैं। जब भगवान ने स्वधाम गमन किया तो आकाश मार्ग में देवता खड़े हैं, कोई शंख बजा रहा है, कोई घंटियां बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई बाजे बजा रहा है और कोई अनहद नाद कर रहा है, कोई पुष्प वृष्टि कर रहा है, ब्रह्मा वेदोच्चारण कर रहे हैं, भोलेनाथ हाथ जोड़ के खड़े होके स्तुति गा रहे हैं, देवी देवता सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, क्योंकि न जाने कितने वर्षों के बाद भगवान श्री हरि नारायण स्वयं अपने कृष्ण रूप को त्याग करके श्री हरि के रूप में गोलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आकाश मार्ग में उत्सव मनाया जा रहा है कि प्रभु आ रहे हैं, स्वागत किया जाए, स्वागत किया जाए। और पृथ्वी पर जब पता चला भगवान के सारथी दारुक को, तो दारुक की स्थिति बड़ी दयनीय है। प्रभु के वियोग में दारुक के द्वारा यह संदेश विदुर जी, उद्धव जी, सभी पांडवों को दिया गया और जब पता चला कि भगवान स्वधाम गमन कर गए हैं, सारे जो उद्धव जी हैं, विदुर जी हैं, सब शोक ग्रस्त हो गए। भगवान का गमन सुनते ही तत्क्षण पांडवों ने भी हिमालय की ओर प्रस्थान किया और हिमालय के मार्ग से एक एक करके पांडव द्रौपदी समेत इन्होंने भी स्वर्गारोहण किया, ये भी पृथ्वी को छोड़ करके चले गए।
इस तरह से 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की पावन कथा का वर्णन व्यास जी करते हैं।